नमस्कार मित्रों, साथियों, चुनाव की तैयारी में हम सब लगे हुए हैं और इस तैयारी में स्वयं के शिक्षण नामक श्रृंखला में मैं अमित तिवारी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जिस विषय को लेकर आ रहे हैं वो मॉक पोल या छद्म मतदान है। मॉक पोल क्या है, ये क्यों जरूरी है और इसमें क्या प्रक्रियाएं अपनाना चाहिए, इस विषय में आज आपको मैं जानकारी दूंगा। मित्रों, आप याद करिए, जिस दिन मतदान होता है या मतदान होने को होता है उस दिन के एक दिन पूर्व मतदान दल अपने तय मतदान केंद्र पर पहुंचता है। विधिवत हम चीजों को व्यवस्थित करते हैं और सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है चुनाव की वो मॉक पोल होता है। मॉक पोल करने से पहले हम किन बातों का ध्यान रखेंगे, मॉक पोल किन परिस्थितियों में किया जाता है, किन समयों में किया जाता है, इन विषयों पर मैं बात करूंगा। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इस वीडियो को सिर्फ नॉलेज या ज्ञान को साझा करने के एक नोबल कॉज के तौर पर बना रहा हूं। निश्चित तौर पर इसमें अगर आपको कुछ डाउट या संदेह लगता है तो आप इसको वेरीफाई जो ऑफिशियल वीडियोस हैं उनके माध्यम से करें, लेकिन फिर भी एहतियातन सैद्धांतिक तौर पर मॉक पोल क्या होता है इस पर हम उस तरीके से चर्चा कर सकते हैं। मतदान दल के साथ पीठासीन अधिकारी मुकेश और उनके तीन अधिकारी नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन के तौर पर के साथ घड़ी में समय हो रहा था 5 बजे सुबह के। उन सब ने अपने आप को तैयार कर लिया था और अब वो तैयारी करने वाले थे मॉक पोल की। तो मॉक पोल वो प्रक्रिया है जिसमें हम छद्म मतदान करते हैं। इस छद्म मतदान की प्रक्रिया इसलिए भी जरूरी है, जिसे दिखावटी मतदान या मॉक पोल कहते हैं। दिखावटी मतदान इसलिए जरूरी है कि हम मतदान की जो मशीन है, वीवीपैट है और जो वैलेट बॉक्स है, वहां सुचारू रूप से वो काम कर रहा है या नहीं उसको हम दिखाते हैं। सबसे पहले जब हम छद्म मतदान करते हैं उसके पहले हम मशीन के साथ वीवीपैट बैलेट बॉक्स को प्रॉपर तरीके से जोड़ते हैं। उनके जोड़ने के बाद उस पर हम सबको बताते हैं कि अभी इस मशीन में ये खाली है, इस मशीन को खाली बताया जाता है। उसके बाद हम क्लियर बटन को दबाने के बाद इसको हम स्टार्ट करते हैं। छद्म मतदान निश्चित तौर पर हमारे अगर माइक्रो ऑब्जर्वर हैं टीम में तो उनकी उपस्थिति में पीठासीन अधिकारी अपने तीन और साथियों और निश्चित तौर पर जो पोलिंग एजेंट है, किसी भी पार्टी के जो अधिकृत पोलिंग एजेंट है उनके साथ में करेगा। ऐसा हमारे को चुनाव आयोग के द्वारा निर्देश दिया जाता है। मॉक पोल करने से पहले हमें मशीन्स को जोड़कर उस प्रक्रिया को मैं मशीन को खाली करके उसके बाद हर एक जो चुनाव एजेंट है पार्टी का उनसे हर एक प्रत्याशी के अगेंस्ट तीन तीन वोट डलवाने हैं। इन वोटों को डलने की प्रक्रिया में वोट पहले जो मिनिमम समय लगता है उसमें का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि मशीन की अपने ऑपरेशन ऑपरेट करने की या अपने आप को ऑपरेशन में रखने की एक प्रक्रिया होती है। मशीन के साथ कोई जल्दबाजी ना करें, इसलिए मॉक पोल को तय समय से 5 मिनट पहले अपने आप को मेंटली तैयार करें। इस उपचुनाव में 5:30 बजे सुबह हमें मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू करने की हिदायत दी गई है, ताकि हम इस प्रक्रिया से पहले जो आवश्यक चीजें हैं उनको साथ में रखें। जैसे मॉक पोल से पहले हम सारे जो दस्तावेज हैं उनको विधिवत जगहों पर रखें, सभी लोगों को आसपास रख लें, अपनी डायरी पर जो रिकॉर्ड लेना है उसे ले लें और चुनाव एजेंट के सामने जो घोषणा करते हैं उस घोषणा के बाद कि हम मॉक पोल कर रहे हैं, अब आप मॉक पोल को देखें, उनको स्वयं बटन दबवाकर हर एक वोट की काउंटिंग करें। इनिशियली 7 पर्चियां कटेंगी और जब जैसे जैसे वोट काउंट होते जाएंगे उनको हम कागज पर कहीं लिख लें, और कागज पर लिखने के बाद हम जब सीआरसी की जो प्रक्रिया होती है पहले सी करेंगे फिर हम रिजल्ट शो करेंगे। रिजल्ट शो करने की प्रक्रिया में अगर मान के चलिए एक एक्स उम्मीदवार के खिलाफ 3 वोट डाले गए हैं तो वो 3 शो करेगा। और ये मशीन को लेकर बहुत सारी चीजें मशीन पहले देती है, बैटरी बैकअप क्या है, तिथि क्या है, कितने वोट पड़े टोटल और किसको कितने वोट पड़े, एक को कितना पड़ा, और वो मशीन अपना एक निश्चित समय लेती है। तो आप कोई जल्दबाजी ना करें, हड़बड़ाहट ना करें, मशीन का सॉफ्टवेयर बहुत स्ट्रांग है और वो प्रॉपर तरीके से काम करता है।
और ये बात आप एजेंट्स को भी बताएं कि उन्हें भी धैर्य रखकर समय पर उपलब्ध होना है, अन्यथा आप उनके बिना छद मतदान करने के लिए बाध्य होंगे। छद मतदान करने के बाद जब मतदान के परिणाम आप दिखाएंगे, उनको आप कागजों से मैच करवाने के बाद उन कागजों को डिस्पोज करेंगे और क्लियर का बटन दबाएंगे। जब क्लियर का बटन दबाया जाएगा तो फिर मशीन आपको प्रॉपर तरीके से चीजों को बताएगी, पहले बैटरी के बारे में, पड़े मतदान के बारे में, कितने को किसको कितना वोट पड़ा, वो सब उसे जीरो करेगा, और जीरो कराने के बाद मशीन डिस्प्ले करेगी कि अब मशीन में कुछ भी नहीं है। और अब मशीन को सील करने की प्रक्रिया शुरू होगी। आपको जो प्रशिक्षण में बताया गया जिन सीलों के माध्यम से जिस तरह से मशीन को सील करना है, उन्हें आप सील करिए। उन सील से पहले, जिन सील को वहां असेंबल कर रहे हैं उससे पहले एजेंट्स के वहां पर हस्ताक्षर करवाइए, सीलों के नंबर उन्हें दीजिए, और जब सील हो जाए तो उसके बाद आप जो जो लास्ट बॉक्स है उस लास्ट सील को सील नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्लोज के बाद जब आप मतदान बंद करेंगे तब आप उसे करेंगे। तो इस प्रक्रिया के बाद जब छद मतदान हो जाता है, आप वीवीपैट को खोलकर उनमें से जो पर्चियां निकलेंगी उन्हें काउंट करके एक बॉक्स मिलता है उसमें डालेंगे, उन पर्चियों को वेरीफाई कराएंगे किसका इसके नाम के प्रति कितने वोट पड़े हैं। चूंकि ये प्रक्रिया एक साथ चलने वाली होती है अतः इसमें समय लगता है, मिनिमम मशीन 30 से 45 सेकंड तक का समय एक वोट काउंट करने या एक वोट कास्ट करने में लगाती है। हमें 7 पर्चियां वैसी निकालनी होती हैं जो कट के अपने आप गिरती हैं, उसके अलावा हमें 50 वोट कास्ट करने होते हैं। आज के उपचुनाव में क्या स्थिति है ये अलग बात है, आपको देखना पड़ेगा, लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों के बीच में टाइम कैलकुलेट करें तो लगभग 45 से 50 मिनट या एक घंटे का समय पूरी प्रक्रिया को निर्धारित तरीके से करने में लगता है। अतः मैं ये बोलूँगा आप बिल्कुल ना घबराएं, लेकिन अपनी पूरी तैयारी के साथ 5:30 से 10 मिनट पूर्व अपना मतदान का कार्य है उसको शुरू करें। और इस मतदान के कार्य को आप करते वक्त, जिसे हम मॉक पोल कह रहे हैं, पूरी निष्पक्षता रखें, कोई हंसी मजाक का माहौल वहां पर ना बनने दें। जैसे आप सीआरसी, जैसे आप रिजल्ट को क्लियर करते हैं, मशीन का एक सील रह जाएगी, बाकी सील कर दी जाएगी और मशीन विधिवत जगह पर आ जाएगी, और सारे अधिकारी 1, 2, 3 दल के अधिकारी अपनी अपनी जगह ले लेंगे, और सही 7 बजते ही हम मतदान की प्रक्रिया, इसमें SOP जो प्रोटोकॉल हैं कोविड के, उनका पालन करते हुए शुरू करेंगे। एक और बात, यहाँ पर हमें कुछ सर्टिफिकेट्स भी लेने होते हैं अपने एजेंट से, तो आप उन कागजों को बीती रात में ही तैयार कर लीजिए और उन पर नाम और उनके नंबर वगैरह लिखकर उसको साइन करके उनको अपने पास रखिए। और हमेशा ये विश्वास अपने एजेंट्स के साथ बनाइए कि हम एक चुनावी प्रक्रिया कर रहे हैं, इसलिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। जहां आपको उनके प्रति सख्ती बरतनी है वहां सख्त रहिए, लेकिन बेवजह ना तो किसी को सहयोग करिए, अतिरिक्त सहयोग करिए, ना किसी को अतिरिक्त असहयोग करिए। ऐसी शुभकामना हम करते हैं कि हम इस मॉक पोल की प्रक्रिया को इस वीडियो के माध्यम से सीख पाए होंगे, और ये वीडियो आपको मॉक पोल को अच्छे तरह से करने के लिए हेल्प करेगा। 5 बातें जो मॉक पोल से पहले हमें ध्यान रखनी है, तो समय का ध्यान रखना है, हमें एजेंट्स के साथ बातचीत करनी है, पेपर वर्क पूरा करना है, सील प्रॉपर लगानी है, CRC प्रॉपर करनी है, और CRC जब हम मॉक पोल के बाद पोल कराएंगे तो हम मशीन को क्लियर कर लें, उसके बाद ही इसको शुरू करें, और लास्ट में जब इलेक्शन खत्म होगा, मॉक पोल के बाद की बात है, हालांकि वो उसके बाद क्लोज का बटन दबने के बाद कोई वोट कास्ट नहीं होता, तो उस बटन को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। मिलते हैं हम चुनाव की तैयारी में, स्वयं के प्रशिक्षण के से चुनाव कराने की तैयारी मॉक पोल के बाद अगले वीडियो श्रृंखला में। तब तक के लिए शुभकामनाएं, नमस्कार।